आप एक ब्लॉग से 21 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। लाइक जैसे कि आपने बताया कि यूट्यूब से बहुत पैसे कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग से बहुत पैसे कमा सकते हैं, लोगों का एक कंसर्न है कि यार कितना समय हम दें। ब्लॉगिंग में क्या है ना, आप सुमड़ी में बैठकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। MPNRC का एग्जाम्पल देखा है, एक महीने में उसने 3 करोड़ रुपए के आसपास कमाए हैं, जो मुझे नहीं लगता भारत के किसी भी CEO ने इतने पैसे आज तक एक महीने में कमाए होंगे। ये ब्लॉगिंग का पोटेंशियल है। पहली बात तो स्वागत है फिर से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। स्वागत है सर। तो दोस्तों, वैसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम दो दो गेस्ट को लेके आए हैं। वैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब, तो वैसे मारधाड़ तो नहीं होने वाला है बट हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसको आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉगिंग में ज़्यादा फ्यूचर है या फिर ज़्यादा स्कोप है या फिर यूट्यूब करना चाहिए, क्या करना चाहिए अगर आप कन्फ्यूज़ है तो। और वैसे मैं दोनों करता हूँ, तो मैं एंड में कंक्लूजन भी मैं लेके आऊँगा कि यार क्या करना चाहिए या फिर कहाँ से शुरू करना चाहिए। वैसे सर, मैं आपसे शुरू करता हूँ, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको ऑलरेडी 6 मिलियन से ज़्यादा लोग जानते हैं। पहला सवाल आपसे कि यूट्यूब करने का 5 स्ट्रॉन्ग रीज़न। सर, सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रीज़न मेरा ये है कि अगर मैं आराम से समझूं चीज़ों को, अगर एक लेमैन पर्सन की भाषा में जो कुछ करना चाह रहा है यूट्यूब पे आके, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उसको एक आस होती है जीवन में कि यार मुझे एक ऐसा एक्सपोज़र चाहिए जो मैं आगे अपने करियर को, जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं उसको ले जाऊँ। तो यूट्यूब एक बहुत आसान तरीका है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसका मोबाइल फ़ोन, उसके पास जो उसका एक सब हम सब रेकमेंड करते रहते हैं कि बोया का माइक लीजिए और बस वीडियोस बनाना शुरू करिए। तो उसको लगता है यार जो मैं 300-400 रुपये खर्च कर देता हूँ, 700-800 रुपये, इससे मैं एक माइक लूँ और बनाना शुरू कर दूँ। तो पहला रीज़न क्या है, उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है। कईयों के पास नहीं भी होती, फिर भी लगता तो है ना यार कि मेरे पास पोटेंशियल है, बिल्कुल मैं उसको लेके जाना, लगना भी चाहिए। राइट, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ होती है पैसा। आज हर कोई जब यूट्यूब पे आता है तो वो जितने सारे ब्लॉगर्स हो गए या यूट्यूबर्स हो गए, हर कोई देखता है यार, हर कोई यूट्यूबर कुछ ना कुछ अपने गियर्स में, कार में, फैमिली में, घर में चीज़ें ऐड ऑन कर रहा है। तो उसको लगता है कि मैं वो घर का बेटा बनना चाहता हूँ जो अपने घर की गरीबी दूर करूँगा। उसको लगता है कि यार ये चीज़ वो खरीदेगा तो ऑब्वियसली उसको एक सम्मान मिलता है। जब बेटा तरक्की करता है घर में तो सब उसको कहते हैं, हाँ यार मेरा बेटा जो नालायक था वो लायक बन गया। तो घर में उसको हमेशा एक पहचान रहती है। मुझे लगता है हम उत्तर प्रदेश, बिहार और सर MP से, तो मैं MP भी जोड़ देता हूँ इसमें कि सर ने कहा कि, तो यहाँ पे ना बच्चों को बड़ा डांटा जाता है मेरा बेटा नालायक है। हाँ, हमारे पिताजी हमारी तारीफ हमारे नालायकों से ही शुरुआत करते हैं। तो उसको लगता है ये वाला जो है बैरियर वो मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे लाइक देश के युवा के अंदर, जो कहीं ना कहीं यूट्यूब एक एक्सपोज़र है आज के टाइम पे। और आप देखिए कि कितनी अपॉर्चुनिटी है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक मिसाल हैं अपने चैनल पे कि आपके करियर्स में जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी हो गई, वीडियोज़ हो गई यूट्यूब की, वो देख देख के वो आपसे ही इंस्पायर हो रहे हैं। तो 5वां रीज़न मैं आपको ही देना चाहूँगा कि आप आपसे आगे बढ़ रहे हैं। सर, अब आपके ऊपर आते हैं। लाइक सर, तो हिंदी ब्लॉगिंग में भी इनका काफ़ी बढ़िया ब्लॉग चलता है, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आते हैं इनके ब्लॉग पे, इवन काफ़ी कुछ मैंने भी इनसे सीखा है और इनके साथ ऑलरेडी 3-4 वीडियोस हमने करी हुई है चैनल पे, जिसपे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, इवन आप लोग बोलते हैं कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो सर, आपसे मेरा सवाल है कि ब्लॉगिंग करने के 5 स्ट्रॉन्ग रीज़न आप क्या देना चाहेंगे? सबसे स्ट्रॉन्ग तो मोटिवेशन है, पैसा। पैसा, मुझे ऐसा लगता है, एकदम ऑनेस्ट आंसर लाइक हो जाएगा इस बात पे। ब्लॉगिंग में जितना पैसा है उतना किसी चीज़ में नहीं है। और ब्लॉगिंग के बारे में लोगों को पता क्यों नहीं चलता, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब में शो ऑफ वाला बिजनेस है। अगर आप अपना चेहरा शो ऑफ, या फिर मुझे लगता है हर कोई देख पा रहा है, यस, आपको अपने आप दिखाना है, विजिबिलिटी है। अगर आप नहीं दिखाओगे तो आप इतने पॉपुलर नहीं होंगे, आपको तो चाहिए ना व्यूज़। ब्लॉगिंग में क्या है ना, आप सुमड़ी में बैठकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आपके पास है ना 500 लोग आते होंगे, भाई पैसे दे दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दिख रहा है कि हाँ ये अलग अलग जा रहा है। ब्लॉगर को पता चलेगा कि लोग पैसे आके दे दें कि बेचारा है कुछ करता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, दिन भर घर में। तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, हमने एग्जांपल देखा है, MPNRC का एग्जांपल देखा है, एक महीने में उसने 3 करोड़ रुपए के आसपास कमाए हैं, जो मुझे नहीं लगता भारत के किसी भी CEO ने इतने पैसे आज तक एक महीने में कमाए होंगे। ये ब्लॉगिंग का पोटेंशियल है, ठीक है, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो काम करना चाहते हैं और जो कंफर्टेबल नहीं है बेसिकली फेस दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है, शाय हैं, पर उनके अंदर थॉट प्रोसेस हैं, तो वो थॉट प्रोसेस अपने रख सकते हैं। तीसरा,
ब्लॉगिंग में जितने मोनेटाइजेशन के ऑप्शन हैं उतने कहीं पे नहीं हैं। आप एक ब्लॉग से 21 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, मतलब इतने तरीके हैं जो मुझे पता हैं जिससे आप ब्लॉग से पैसे कमा सकते हो। चौथा रीजन ये है कि अगर भविष्य में, फॉर एग्जाम्पल, मैं दीपावली जो मेरा ब्लॉग है, अब हम ब्लॉग बना रहे थे, अब मुझे चाहिए था कि यार इससे रिलेटेड मुझे कंटेंट यूट्यूब के लिए भी बनाना है, तो मैंने अपनी टीम को हायर किया। स्केल आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपनी टीम को हायर किया, जो कंटेंट लिख रहे थे एग्जैक्टली सेम, मतलब कि मैं कहता हूँ कि कथा बांच दी उसने, कुछ नहीं किया, बस कथा बांच दी जो लिखा था वो बना दिया, 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप स्केलेबिलिटी कर सकते हो। और एक स्टेज पर आके जब आप पैसे कमाने लग जाओगे तो आप घोस्ट राइटर्स भी रख सकते हो, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। YouTube पे क्या है, अगर आपने 3 महीने काम नहीं किया, ठीक है, आपको खुद ही लगने लग जाएगा यार YouTube का एल्गोरिदम मुझे नीचे ना कर दे, ये ना कर दे। आप अगर ब्लॉग पर काम नहीं करना चाह रहे तो इतना कोई नेगेटिव इंपैक्ट पहली चीज पड़ेगा नहीं, आप दूसरे लड़के को अगर लगा भी दोगे तो आपका ब्लॉग चल रहा है। बेसिकली एक्सपेंशन स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा आसान है। जैसे सतीश भाई है, इनका ब्लॉगिंग है ऑटो पायलट है, 3.5 साल से ऑटो पायलट, ऑटो आप कर सकते हो ऑटो पायलट ब्लॉग में, यूट्यूब में भी कर सकते हो विदाउट फेस में, बट मुश्किल है ना ऑटो बाय। अच्छा, कंसिस्टेंसी जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी बंदे को हायर किया फेसलेस के लिए, फेस दिखाना है तो आपकी मजबूरी हो गई, आप चाहे बीमार हैं, चाहे आपके पिताजी बीमार है, चाहे आपकी माताजी बीमार है, चाहे आपका कुत्ता बीमार है, चाहे बिल्ली बीमार है, आपको बैठ के वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। ब्लॉग में क्या, अच्छा अगर फेसलेस की बात करते हो तो आपकी आवाज सुन रहे, अगर आपने आवाज भी बंदे ने छोड़ दी, अगर वो बंदा आपके यहाँ से काम करना छोड़ दिया तो ही लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुछ अलग है, ब्लॉग में उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो आप आसानी से उसको आगे जाके बढ़ा सकते हो। ये मेरे रीजन। क्या बात है सर, बड़े गजब के पॉइंट आपने रखे हैं। आई होप कि ये चीज तो क्लियर हो गया रहेगा कि लाइक ब्लॉगिंग की तरफ काफी लोगों का झुकाव होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपना ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने पूरा फ्री में ब्लॉगिंग कोर्स बना के रखा हुआ है, जिसको देखकर आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि होस्टिंगर ने नया धमाका मानसून ऑफर लाया है, जिसमें 149 रुपीज पर मंथ वाला प्लान आपको सिर्फ 129 रुपीज पर मंथ में ही मिल रहा है, जिसमें आपको एक फ्री डोमेन मिल रहा है 699 रुपीज का, और साथ ही साथ फ्री SSL भी मिल रहा है। और दोस्तों, 100 GB SSD स्टोरेज के साथ में आप चुन सकते हैं मुंबई का डेटा सेंटर। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके ब्लॉग की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सतीश के वीडियोस के सब्सक्राइबर हैं तो आपको कूपन कोड यूज करना है सतीश के, जिससे आपको अप टू 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इनवाइस हमें मेल करते हैं manager@satishkushwaha.com पे, तो आपको $1000 का प्रीमियम प्लगइन और थीम्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज ही अपना ब्लॉग शुरू करें होस्टिंगर के साथ में और इस मानसून ऑफर का फायदा उठाइए। यह ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। जैसे YouTube में क्या होता है कि हम 10 लोगों की वीडियोस देख रहे हैं, उसने कैसे शुरू किया था, उसकी कौन सी वीडियो चली जिसके बाद से वो चलने लगा, इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉग में इस सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हमें पेड टूल लेने पड़ते हैं, तब जाके उसमें भी थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। इस वजह से उसके तरफ लोगों का जो झुकाव है थोड़ा सा कम है, YouTube में काफ़ी ज़्यादा है। मेरा एक सवाल आता है कि लाइक जैसे ब्लॉगिंग है, पहले के टाइम पे जब आई थिंक इंडिया में 15 सालों से काफ़ी तब से चल रहा है, 15 साल का अगर पकड़ लें तब से शुरुआत हुई है YouTube का भी, आई थिंक 7-8 साल पहले से इंडिया में। बट YouTube जितनी तेज़ी से ग्रो किया है, हर कोई वीडियो देख रहा है, हर किसी के फ़ोन में राह चलते ऐसे स्वाइप कर रहा है, कुछ भी मतलब वीडियोज़ देख रहा है, इतने वीडियोज़ कंज्यूम हो रहे हैं जितना टेक्स्ट कंटेंट कंज्यूम नहीं होता है, लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वीडियो का क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है YouTube का, आप बताइए, इसके बाद सर पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो सर से मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि मैं इसमें ब्लॉगिंग को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जिस तरीके से तो, सर ने डिफेम किया है कि पैसा सबसे ज्यादा इसमें है। पैसा डिफेम है सर, काफी यूट्यूब को हेट्स भी कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं इस इंटरव्यू का क्या कंक्लूजन निकलेगा मैं पहले बता देता हूँ, मेरे ऊपर है राइट। तो मैं ब्लॉग्स को हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब में अपॉर्चुनिटी क्या है। तो थोड़ा सा आपकी बातों, जो आपने मुझसे पूछा है कि क्या लाइक वीडियो का फ्यूचर क्या, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यूट्यूब एक बहुत ही बेहतरीन मीडियम इसलिए है क्योंकि मैंने जब अपना टीचिंग करियर शुरुआत करी थी तो मेरे सामने दो टीचर मिले। एक वो टीचर मिले जो सिर्फ 12th के स्टूडेंट्स पढ़ाते थे, मेरे जैसे हर साल 12th के बच्चे मिलते थे और वो पास आउट हो गए और हम जेब खाली। हर साल फिर नए एड्स डालने हैं, नए बच्चे ढूंढने हैं, उनके सामने स्माइल करनी है, उसको पहली ट्रायल क्लास में इंप्रेस करना है, फिर बजाना है। और वहीं पे एक सर मिलते थे, वैसे पेट तो मेरा भी अब आ गया है लेकिन एक सर तो तब नहीं था सर, खैर। तो उनके पास पहले से ही पेट वेट फर्स्ट क्लास, वो 6ठी के बच्चे पकड़ते थे, मुझे कहते अमरेश जी एक बार 6th बच्चा मिल गया है,
इसको 10वीं तक ले चलेंगे तो समझ रहे लॉन्ग टर्म सोच रहे राइट लॉन्ग टर्म सोचते थे वो तो मैंने देखा कि 4-5 साल वो भी चले मैं भी चलूं मैं बड़ा टेंशन में चलता था हर साल नए बच्चे लाने हैं आगे बढ़ना है मैंने 5 साल बाद जाके देखा कि मेरे अंदर स्किलेबिलिटी बोलने का तरीका बच्चों से कम्युनिकेशन का तरीका उनसे फार बेटर था तो मुझे लगता है यूट्यूब एक चैलेंज है अगर आप अपनी लाइफ में चैलेंज लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब आपके लिए प्लेटफॉर्म है। अब आप बात आ गई कि वीडियो का करियर क्या है फ्यूचर क्या है मैं देख पा रहा हूं कि टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई आप देखिए आज के डेट में पहले इंटरनेट ब्लॉग पहले क्यों चल गया क्योंकि इंडिया में इंटरनेट ही नहीं था हम तकरीबन 300 रुपये में सर अगर आप मेरी बात से एग्री होंगे तो इंटरनेट 1.5 GB मिलता था वो बड़ी मुश्किल से हम लोग क्या क्या चीजें चला पाते थे आई थिंक फर्स्ट जनरेशन का कॉन्टेंट रहा है वही टेक्स्ट वाला राइट बाद में फिर इमेज फिर वीडियोस हाँ पहले टेक्स्ट आया फिर लोग इमेज तक आए मतलब इंटरनेट हमें पहले टेक्स्ट लेके आया फिर इमेज तक लेके आया और आज के डेट में देखिए दो मेजर चीजें हैं फोन जो फोन आप चाहे 1 लाख रुपए का आज ले लीजिए वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे 30-40 हज़ार में सब आ जाएगा तो एक यूट्यूबर के लिए फोन मेन गैजेट्स है और दूसरा इंटरनेट आप देखिए इंटरनेट पे इतनी ज्यादा कंपटीशन है 2-3 लाइक नेटवर्क्स के बीच में जियो हो गया एयरटेल हो गया कि हमें कहीं ना कहीं जो मेन चीज चाहिए एक इंटरनेट चाहिए और एक मोबाइल फोन चाहिए ये बहुत सस्ते दामों में मिलते जा रहे हैं और हमारी जो क्वालिटी है आप सतीश भाई आपने भी कुछ टाइम पहले शेयर किया कि सर मैं 6-7 महीने गाँव में रह लेता हूँ लखनऊ में जाके आप मुझे सॉरी गोरखपुर में जाके है ना मतलब उत्तर प्रदेश का ही सर पार्ट है अपना है ना तो वहाँ जाके रहते हैं मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी इनकम कभी जब आप गांव चले जाते हैं तो घट जाती है क्या थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था थोड़ा सा उस सेंस में नहीं पूछ रहा कि जैसे कि अभी आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए कमा रहे हैं आप तो क्या वहां पे जाके 1 लाख मिलता है क्या ऐसा नहीं नहीं लेकिन आप एक पान की दुकान खोल लीजिए अपने गाँव में वो 5,000 रुपए कमाएगा लेकिन दिल्ली में सीपी में खोल लीजिए वो कितना कमाएगा 1 लाख रुपए तो यूट्यूबर्स की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप चैलेंजिंग वहाँ भी है और यहाँ भी है वीडियो में टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही है आपके पास चैलेंज है अगर आपके पास क्वालिटी है अगर आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है अब देखिए सर ने जो कहा मैं सर की बातों से डिफेम नहीं करना चाहता हूँ लेकिन सर जब बोल रहे थे तो मुझे अपने टीचर्स वाली बात याद आ रही थी कि जब मैं किसी के घर पढ़ाने जाता था तो मैं देखता था एक बेचारे बूढ़े आदमी गार्ड की तरफ ना खींच रहे हैं सांस मैंने कोई बात नहीं इनकी उम्र हो गई इनको गार्ड ही रहना चाहिए पर कहीं जाता था 20 साल का लड़का खड़ा हुआ हेलो सर मैं तू यहाँ क्या कर रहा भाई कुछ कर जीवन में गार्ड क्यों बना पड़ा है लाइफ में तेरे पास बहुत सारी चीजें करने को है तो मुझे लगता है कि आप यूट्यूब को नकार के ब्लॉगिंग मत करिए यूट्यूब को साथ लेके आगे चलिए नहीं तो पता चला आपके अंदर जो स्किल रहेगी वो खत्म हो जाएगी जीवन के एंड में पूछेंगे कि सक्सेस क्या आंख बंद करेंगे तो लगेगा कि सब कुछ खाली खाली सा था कुछ कर नहीं पाए तो यूट्यूब को लेके चलिए साहब मैं ब्लॉगिंग को डिफेम नहीं कर रहा हूँ सर के सामने बस यूट्यूब को सपोर्ट कर रहा हूँ सर बिल्कुल कौन सर अब हम आते हैं लाइक जैसे लोगों का ही सवाल रहता है कि हर कोई वीडियो कंज्यूम कर रहा है रील्स हो गया टिकटॉक तो चलो खैर बंद हो गया वीडियोस ज़्यादा कंज्यूमर है कहीं भी फेसबुक भी वीडियोस पे काम कर रहा है यूट्यूब भी ने भी शॉर्ट्स बना दिए मतलब वीडियोस हर जगह कंज्यूम हो रहे हैं इवन गूगल ने भी वेब स्टोरीज लॉन्च कर दी कि लोगों को थोड़ा सा इमेजेस देखने का वो चस्का चढ़ गया है टेक्स्ट कम पड़ रहे हैं तो ऐसे में ब्लॉगिंग का क्या स्कोप है आने वाले 5 सालों तक देखे तो ओके तो अभी इसके पहले मैं बताऊंगा बेसिकली कि इसमें कोई दोहराह नहीं है कि जो YouTube ने ग्रोथ पकड़ी है वो ब्लॉगिंग ने भी ग्रोथ है पर जो YouTube ने मतलब वीडियो फॉर्मेट ने जो ग्रोथ पकड़ी है उसका कोई तोड़ नहीं है हम पहले इस टाइप का कंटेंट पढ़ते थे कि ब्लॉगर वर्सेस यूट्यूबर आज हम देख रहे हैं ठीक है तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही हो गया सतीश जी ने करवा भी दिया इस चैनल पे तो और दोनों धुरंधर तो हम देख रहे हैं तो बेसिकली हमें पता है कि ये कंटेंट है जो वीडियो फॉर्म में भी लोग पसंद कर रहे हैं ये बड़ा वीडियो होगा है ना तो लोग देख रहे हैं बट अगेन मेरे साथ एक वर्ड आया बड़ा ओके वीडियो जब आप देखोगे आपको फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप देखेंगे वीडियो बड़े फॉर्मेट में आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है कैसा है जब एक आप आर्टिकल देखते हैं जब आप न्यूज़पेपर देखते हैं आप उसकी सब हेडिंग्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये मुझे पढ़ना है ये मुझे नहीं पढ़ना है ये मेरे काम का है ये मेरे काम का नहीं है तो जो सीरियस प्लेयर्स हैं जिन्हें सीखना है वो कहते हैं कि पढ़ना ही पड़ेगा तो पढ़ने वाली ऑडियंस भी है अगर आप देखेंगे तो इसकी भी ग्रोथ हो रही है अगर आप स्टैट्स देखेंगे कि कितने लोग ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं रीडेबिलिटी कितनी आ रही है तो ये भी ग्रोथ है यूट्यूब जितनी ग्रोथ नहीं है बट इसकी भी ग्रोथ है ओके ग्रोथ है और इनफैक्ट हमने एक वीडियो में शेयर किया था डेटा शेयर किया था ऐसे ही रिसर्च करके लाइक मनी कंट्रोल करके एक वेबसाइट थी जिसपे 2018 में 1.8 मिलियन के आसपास ट्रैफिक था आज के डेट में आप गेस कर सकते हैं कितना होगा
लाइक 2022 है, 4 साल 10 टाइम बेटर होगा आई थिंक, 60 टाइम ज्यादा है ट्रैफिक, वेबसाइट है वो, तो अभी आप सोच सकते हैं कि ब्लॉग का इसको बड़ा है कि घटा है, बड़ा है। और एक और मैं एग्जांपल दूंगा फिर इसमें बीच में टोक के, कि अभी तो इंटरनेट पेनिट्रेशन कुछ हुआ ही नहीं है। मैं यूके का एक बता रहा हूँ, मैंने एक बार निश पे काम करने का सोचा था। यूके में क्या होता है ना, एक्चुअली हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो जो बच्चे की छुट्टी होती है उसी में ही वो घूमने जाना चाहते हैं, दोनों को छुट्टी लेना पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि ऑप्टिमम स्पेस हम जाएं जहां पर बच्चा भी एंजॉय करे और हम भी एंजॉय कर पाए, तो उससे रिलेटेड एक निश था, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है कि उसका ट्रैफिक क्या था, वो ब्लॉग था, उसका ट्रैफिक टाइम्स ऑफ इंडिया से ज्यादा था। आप सोचे यूके में की पॉपुलेशन कितनी है, 6 करोड़, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, हमारे तो यूपी की पॉपुलेशन उससे ज्यादा हो गई है ना, तो उसका उसका ट्रैफिक जितना हुआ करता था इतना टाइम्स ऑफ इंडिया से ज्यादा था, और बिल्कुल स्पेसिफिक निश है, ठीक है। तो अभी तो पेनिट्रेशन जब और आगे जाएगा तो ये तो और बढ़ने वाला है, ठीक है सर। और हमारा कंक्लूजन पे अभी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो अल्टीमेटम होता है कि लाइक यूट्यूब शुरू करने का अल्टीमेट क्या है भाई, पैसा, नेम, फेम, ब्लॉग शुरू करने का भाई अल्टीमेटम, जैसे अब शुरुआत में आपने बोला कि सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है, तो अब हम आते हैं पैसे पे। तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब में कितना पैसा है, कितना कमा सकते? देखिए हर चीज में एक बेंचमार्क होता है, जैसे सर ने कहा कि ब्लॉग्स में आपने 3 करोड़ रुपए का आपने एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है कि यूट्यूब स्टार आज की डेट में मैं पैसों के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें कंपैटिबल करूंगा। जैसे अभी लोग कहते हैं, अभी मैंने रिसेंट एक कोर्स पढ़ा लाइक लिंक्डइन पे किसी ने शेयर किया कि बताओ यार हम 4 लाख से लेके 10 लाख रुपए खर्च करते हैं एमबीए पे, और उसके बाद जाके महीने की जॉब कितनी लगती है, 30,000 की। लोगों ने कहा बात तो सही कह रहा है, हमें 3,000 रुपए या 2,000 के कोर्सेज लेने चाहिए जिससे हमें स्किल्स मिलेगी और हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगा, बट हर चीज़ों का आंसर ना शॉर्ट पीरियड में नहीं ले सकते। अकाउंट्स में एक वर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं उसका आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है। मैनेजमेंट आप करेंगे इस पर एक मैं थोड़ा सा लंबा समय लेना चाहूंगा। मैं एक मेरा एक स्टूडेंट है क्षितिज सक्सेना, जीडी गोयनका में पढ़ता था, तो मैं उसको पढ़ा रहा था, सडनली उसका एक दोस्त आया तो उसने बोला कि यार एमबीए कर ले, बोला मैं एमबीए नहीं करूंगा यार, मैं तो बस गिटारिस्ट बनना है, यूएस जाना है, काम करना है। तो उसने बहुत अच्छी बात उसको कही, तू गिटारिस्ट बन, बट क्या तू जिंदगी भर टिंग टिंग ही करता रहेगा क्या, तू नहीं चाहेगा तेरी खुद की एक कंपनी हो, तू उसका सीईओ और बाकी लोग तेरे लिए वही काम करें, कि तू हमेशा स्टेज पे तो नहीं खड़ा रहेगा ना, एक टाइम पे बोर हो जाएगा, तो तुझे वहां पे एमबीए की जरूरत पड़ेगी, तुझे मैनेजमेंट स्किल जरूरत पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यूट्यूबर्स को, अब मैं उस रेवेन्यू वाले पार्ट पे आना चाहता हूं, कि आप इंस्टेंट रेवेन्यू मत देखिए, अगर इंस्टेंट भी देखना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स से अगर आप जोड़ना चाहें तो वो एक स्पॉन्सरशिप का 45 लाख रुपए लेते हैं, एक स्पॉन्सरशिप का सिर्फ इंटीग्रेटेड वीडियो का। मेरे कई ऐसे नोन फ्रेंड्स हैं जो 40 से 45 लाख रुपए लेते हैं। आप सोच लीजिए सर, कि आप अपना कंपैरिजन करिए कि वो टेक यूट्यूबर्स हैं, महीने की 25 वीडियोस तो वो बनाते ही बनाते हैं, और उनमें से 7-8 वीडियोस के अगर वो चार्जेस इस लेवल पे ले रहे हैं तो महीने का कितना कमाते होंगे। उसके बाद आपने 21 चीज़ें बताई, शायद 21 मैं इंस्टेंट ना बता पाऊँ, लेकिन उसके बाद एडसेंस रेवेन्यू जोड़ लीजिए उसका, अगर उसमें कुछ उसकी एफिलिएट लिंक होगी, इंस्टाग्राम पे उसकी ट्रैफिक गई है, वहां पे बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो बाय प्रोडक्ट वो इंस्टेंट कितना पैसा कमा रहा है रेदर देन वो लॉन्ग टर्म में कितना पैसा कमा रहा है, ये उसकी ब्रांड वैल्यू है। आज आप भुवन बाम को देख लीजिए, किसी सुपरस्टार के लिए इतनी भीड़ नहीं होती जितनी उनके लिए आती है। अमित भड़ाना को देख लीजिए, उनके लिए इतनी भीड़ है। कैरी मनाटी के लिए बच्चा बच्चा पागल है, हर कोई उनकी वीडियो देखना चाहता है। और आज व्लॉगिंग में सौरभ जोशी को देख लीजिए आप। तो मैं बाय पैसे कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट यूट्यूब में बहुत अपॉर्चुनिटी है, लोग करोड़ों रुपए यहाँ से अर्न कर रहे हैं और अच्छा काम करके। एक टीचर, आप सोचिए ना, कैसे लोग कहते हैं अरे टीचर आदमी कहाँ कमा पाता है, आज की डेट में आप बड़े से बड़े टीचर्स जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी टर्नओवर्स लाइक मैं आपको बता नहीं सकता, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ ऐसी जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी टीम बिल्ड कर पा रहे हैं वो। बिल्कुल सर, अब मैं आपके हर एक पॉइंट से अग्री करता हूँ, और इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे रिसेंटली यूट्यूब ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी 2020 का, ऑक्सफोर्ड वाली जो रिपोर्ट, ऑक्सफोर्ड वाली रिपोर्ट थी, जिसमें बताया था कि अराउंड 7 लाख फुल टाइम जॉब्स के बराबर वो उन्होंने जॉब क्रिएट किया है यूट्यूब के ऊपर इंडिया में सिर्फ। जो अगर देखा जाए इंडियन रेलवे में अराउंड 13 से 14 लाख लोग काम करते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा इम्प्लॉय हैं। तो अभी आप उससे कंपेयर कर लीजिए, उसके आधे में तो सिर्फ यूट्यूब पे है, और वो 2020 का रिपोर्ट है, 2021 में काफी क्रिएटर्स बढ़े हैं।
राइट। और पैसे की बात करें तो जैसा कि भुवन बाम या फिर बड़े बड़े क्रिएटर्स का सर एग्जांपल दे रहे हैं, मैं तो बोलूँगा कि अगर आप किसी भी 1 लाख से लेके 10 लाख सब्सक्राइबर वाले का अगर आप अर्निंग पूछोगे तो वो 6 फिगर में ही बना रहा है, राइट, इससे कम में नहीं बना रहा। और आप मेरे को कोई भी ऐसी जॉब बता दो जिसमें आप 6 फिगर इनकम एक मीडियोकर होके या कि एक या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट होके कमा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर पैसा बाकी जगह पे है। और सॉरी बीच में, बिल्कुल बीच में मैं वो कर रहा हूँ, मतलब मैंने निश स्पेसिफिक भी, जैसे सर अभी बता रहे थे हम डिटेल में जाए तो निश में जाए तो और डिटेल है। बहुत से ऐसे निश है जो लोगों को पता भी नहीं है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है। तो नेम फेम एक अलग चीज है, बाय चीजें हम सब चीज को जोड़े तो एक अलग यूट्यूब का एल्गोरिथम। बिल्कुल, जितना आप अगर रिसर्च करते हैं, जैसे अभी हम एक एक करके लेके चल रहे हैं, कंक्लूजन पे भी हम आएंगे, तो अगर आप यूट्यूब को भी एक्सप्लोर करते हो ना, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हैं और इस पर आप काम करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। इवन मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाई हैं कि किस तरह के निशेष पर हम काम करके अच्छा खासा ग्रोथ पा सकते हैं फ्यूचर में, विदाउट फेस भी, फेस के साथ भी, तो वो वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। सर हम आते हैं आपके आपकी बारी है, आपकी लाइक आप बताइए कि ब्लॉगिंग में कितना पैसा है और कितना पैसा बना सकते हैं एक मीडियोकर भी और एक एडवांस लेवल का भी ब्लॉगर। तो एक्चुअली क्या है ना कि ब्लॉगिंग में पोटेंशियल अगर आप सिर्फ मनी टर्म्स में अगर देखेंगे तो मेरा मानना है कि यूट्यूब से ज़्यादा है। यूट्यूब में दिखता है, ठीक है, कि एक है बंदा है, ब्रांड कर रहा है। अब जैसे हम सबके सामने MPNRC आया, उसका नाम क्या है? मुझे पता है। आपको पता है पर कुछ ही लोगों को पता है, रिवील नहीं कर सकते, उन्होंने खुद मना किया हुआ है ना। तो आपको पता है, जैसे मुझे नहीं पता, ठीक है, तो अब कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको उनका नाम पता है क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उन्हें फेम मिले, ठीक है। इसलिए क्या है, ब्लॉगिंग एक हिडन पोटेंशियल है ना। अभी बिहार में आप चले जाओ, मतलब मैं क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड बना रहा हूं कि लड़के हैं जो 50-60 हज़ार रुपए महीना, मतलब बस 200-300 उन्होंने ब्लॉग डाले और कमा रहे हैं बेसिकली। वो बताना नहीं चाहते किसी को, बताना क्यों नहीं चाहते, उसका एक रीज़न है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी निश बता दी कोई दूसरा बंदा उसे कॉपी कर लेगा और वो पैसे उसको मिल जाएंगे। उसको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है चीज़ें रिवील करने का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है यूट्यूबर्स के साथ, क्या है ना, सारी चीज़ें रिवील हो जाती हैं, सारी चीज़ें दिख जाती हैं। आपको नेम और फेम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला ब्लॉगिंग में जब तक आप आगे आके अपने बारे में नहीं बताओगे, और बताओगे भी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे आपका, सबसे पहले यही करेंगे यार फेक रहा है, ठीक है ना। तो ये है, तो पॉइंट ये है कि जैसे मैंने सर से भी बात कर रहा था कि अगर आपके पास जितना आप एफर्ट यूट्यूब में डाल रहे हो, हमेशा है ना, हमारी बात भी हुई थी कि कितना टाइम सक्सेसफुल होने में लगता है, मैंने कहा टाइम इज अ रॉन्ग वर्ड, राइट वर्ड इज एफर्ट। जितना आप एफर्ट यूट्यूब में डालते हो ना, बहुत एफर्ट लगता है, हमें कपड़े पहनने पड़ गए, लाइट लगाना है, ये करना है, ब्लॉगिंग में कुछ नहीं है। तो उतना सेम एफर्ट अगर हम ब्लॉगिंग में डालेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल है। प्लस मैं ये बोलूंगा कि डेडली कॉम्बिनेशन, अगर आप यूट्यूब और ब्लॉगिंग कर पा रहे हो ना, अगर यूट्यूब कर पा रहे हो आप, ठीक है, उसके थ्रू अगर आप ब्लॉगिंग करोगे तो ये मेरा मानना है कि आप 10 टाइम्स पैसे कमा सकते हो, 1 और 1 11 है। सर आपने कंक्लूजन वाला पार्ट अभी बता दिया। ओके सर, तो पैसे की बात करते हैं, पैसा सर थोड़ा फिगर्स की बात करिए, कितना क्या आएगा, कितना टाइम देके हम वो पैसे, टाइम अगेन रॉन्ग वर्ड है, चलिए टाइम को हम अभी बाद में लेके आएंगे, पहले पैसे पे आते हैं, एफर्ट पे हम डालते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप सही तरीके से काम करें इसमें तो नया तरीके का कंटेंट लिखा, पुराने बाबा आदम के जमाने का ना लिख दें कि महात्मा गांधी के बारे में आप कुछ लिखने लग जाएंगे, आप कभी रैंक नहीं करेंगे। जो नया कॉन्टेंट आ रहा है, नए फीचर्स आ रहे हैं, उसके बारे में अगर आप लिखना चालू कर देंगे, शुरू के 40-50 आर्टिकल जब आप लिखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी क्या है कैसा है। उसके बाद मैंने देखा है कि अगर आप 100 आर्टिकल्स भी लिखोगे तो आपको इजीली 50-60 हज़ार रुपए महीने किसी भी निश से आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बात है। तो दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी, जिनको भी ईमान डोल रहा है कि यार ब्लॉगिंग मेरे को सीखना है या फिर ब्लॉगिंग सही लग रहा है या फिर जिनको यूट्यूब लग रहा है, तो मैं बता दूं दोनों के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, यूट्यूब का अलग है, ब्लॉगिंग का अलग है। तो यहाँ पे अगर आपको ब्लॉगिंग स्क्रैच से सीखना है A to Z फ्री में, तो हमारा प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो करिए और इत्मीनान से देखिए कि क्या होता है, निश क्या होता है, हम ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, कैसे रैंक होता है, कैसे ब्लॉग बनाते कैसे, इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट है। इवन एक अलग से हमने कोर्स क्रिएट किया हुआ है, फ्री में है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। लाइक जैसे कि आपने बताया कि YouTube से बहुत पैसे कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग से बहुत पैसे कमा सकते हैं, लोगों का एक कंसर्न है कि यार कितना समय हम दें किसी, जैसे आप अभी हम YouTube की बात करें, कितना हम समय दें तो पहला $100 या फिर पहला 10,000 रुपये हम कमा लेंगे। देखिए अगर ये चीज़ अगर टाइम बाउंडेशन में होती
तो फिर इसकी वो चाम खत्म हो जाती है हर चीज़ों में। अगर कहीं टाइम फ्रेम है कि अगर आप एक साल पढ़ लें तो आप 11वीं पास हो जाएंगे, फिर एक साल और पढ़ लें तो 12वीं पास हो जाएंगे, तो फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो जब कभी सस्पेंस होता है उसी का अपना मजा है। सो मैं सबसे पहली चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी कोई यूट्यूब पर स्टार्ट करता है उसे क्या होता है, आसपास चीज़ें देखी, जैसे अभी आपने कहा ना, वो एक वर्ड में मैं ऐड करना चाहूँगा कि यूट्यूब पर जो दिखता है तो आगे बढ़ता है, वो सम ऑफ कुछ निश में है सर। अगर आप फाइनेंस में वीडियोस बना रहे हैं आप क्या दिखाते फिरेंगे? आज आपने फाइनेंस की वीडियो बनाई, कर आप BMW दिखाएंगे तो लोग वहां से चले जाएंगे। अगर आप एजुकेशन टीचर, आप 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने से आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए और कल से फिर आप BMW दिखा रहे हैं तो बच्चे थोड़ी बढ़ेंगे आपसे। तो यूट्यूब पे कुछ एक सेगमेंट है, हाँ। जहां पे जैसे ब्लॉगिंग एक सेगमेंट है, तो ब्लॉगिंग का काम ही है दिखाना। मैंने ब्लॉग शुरू क्या किया था कि मैं चाहता हूं मेरे जीवन में घटनाएं बहुत हो रही हैं, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, जैसे आज मैं गाड़ी ले आया, घर लिया, लोग कहते हैं ना कि क्या करना चाहते हो। सो इसमें समय का अगर टेंटेटिव देखें तो निश ओरिएंटेड सारी चीजें। मान लीजिए आप 10वीं के टीचर हैं और आप चाहते हैं मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊं, तो आपके पास ऑलरेडी एक स्किल है, बस टेक्नोलॉजी थोड़ी समझनी है, और वीडियो बनाना शुरू करेंगे और आपके स्किल्स पहले से ही ताबड़तोड़ है तो आप यहाँ भी पॉपुलर हो जाएंगे। जैसे आज आप देखिए, मैंने अपने आंखों के सामने 2-3 साल में भांति भांति के टीचर को पॉपुलर होते हुए देखा। जैसे अभी रिसेंटली हमारे सामने खान सर है, जबरदस्त लेवल से अपने स्टाइल के पॉपुलर हैं। ओजा सर को तो मैं पर्सनली लेवल पे इतना सुनता हूँ कि उनके डायलॉग्स मैं रिपीट करता रहता हूँ अपनी वीडियोस में। तो कुछ लोग पहले से ही बहुत पॉपुलर थे ऑफलाइन में, बस मोबाइल और कैमरा सामने आया और वीडियोस बनाई चले गए। लेकिन कुछ लोग अलग काम कर रहे थे, अपने काम से बोर हो चुके हैं, उनको लगता है यार यूट्यूब पे बड़ा चल रहा है, मैं रील्स देख रहा हूँ, हर कोई पॉपुलर है, मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो सर मैं भी ये करना चाहता हूँ, मोबाइल तो आप अच्छी खरीद लेंगे क्योंकि कुछ अब कर रहे थे आप, लेकिन जो स्किल आप बिल्ड करेंगे वो तो समय के साथ आता है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्सपीरियंस तो मैटर करता है हर चीज़ में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे यार हम घूमने गए थे, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, सौरभ जोशी गया था उसने रिकॉर्ड कर लिया। वो भी गलत है, सौरभ जोशी घूमने नहीं गया था, वो रिकॉर्ड करने गया था है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अंदर जो स्किल्स की बात कर रहे थे सर कि आपको एफर्ट्स डालने हैं, वो तो सर यहाँ भी है, जो आप ब्लॉगिंग की साइंस समझ रहे हैं वो यहाँ भी है। हाँ, यहाँ दिखता रहेगा, आप कैमरे पे आएंगे आपकी घबराहट दिखती रहेगी है ना। जो टेक्स्ट में लिखते हैं उसमें अगर आप 4 गलती भी हो गई तो एडिट करके दोबारा से डाल देंगे, वहां पे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाएगा। मैं अल्टीमेटली हम कोई भी स्टार्टअप्स इंडिया में क्रिएट होते हैं क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स देखिए सॉल्यूशन तभी आपको उसको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वीडियो ओरिएंटेड में ना आपके अंदर एक डर रहता है कि अगर मैं अपने आप को बेटर नहीं करूंगा तो रह जाऊंगा, तो शुरुआत में तो सर दिक्कत आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लगातार, जैसे एफर्ट्स की आप बात कर रहे थे, 6 महीने अगर आपने एफर्ट्स दिए तो आपको दिखेगा कि भाई पैसे कमाए चाहे नहीं कमाए, अपने आप को एक नया इंसान मैंने बना लिया है। और उसके बाद तो सर पैसा, जैसे मान लीजिए आज $100 बना, कल 110, 115, ऐसे चलता रहेगा तो ग्रोथ इंसान को दिखती है। और मुझे लगता है यही एक तरक्की का मेजरमेंट होना चाहिए। आपने सवाल पूछा था कि पैसे कितने कमाए जाएं, इसलिए बताया गया, इन्होंने भी बताए, हमने भी बताए, बट मेजरमेंट यही है। मुझे टाइम फ्रेम मैंने पूछा था कि पहला मुझे लगता है कि 6 मंथ, अगर आप एफर्ट सारी चीज़ें सीख के, क्योंकि अब लोग ना सर यूट्यूबर बनने आए हैं। मेरे टाइम के जो यूट्यूबर्स थे जितने भी थे, मुझे ऐसा लगता है उसमें से 90% लोग अपने काम से परेशान थे, उन्होंने यूट्यूब देखा, उन्होंने कहा चल यार कुछ यूट्यूब शुरू करते हैं। लेकिन आज कल लोग यूट्यूबर बनने आए, टीचर ना अब ऑफलाइन नहीं पढ़ाता, वो सीधा पढ़ने के बाद वो डिजिटल पे ही आता है सीधा। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी तो सेम है, उसके पास भी फ़ोन है, आप भी खरीद लेंगे, थंबनेल आप भी अच्छा बना लेंगे, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर लेते हैं तो वीडियो एडिटर अच्छे से अच्छा हायर कर लीजिए, प्रॉपर्टी बेच दीजिए, खरीद लीजिए एक बड़ा सा मशीन। लेकिन जो अपनी स्किल्स है वो प्रॉपर्टी बेचने से नहीं आएगी, खुद डेवलप करना, वो डेवलप करना पड़ेगा, 5-6 महीने अपने आप को जमना पड़ेगा उस चीज में, तभी आ पाएगी। समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं था कि ब्लॉगिंग से हमें शुरुआती $100 कमाने के लिए कितना एफर्ट, कितना टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो अगेन वही मेरा है कि पुराना कंटेंट अगर आप ना लिखें, ठीक है, किसी को कॉपी ना करें। अगर आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप फ्रेश कंटेंट पे काम करना चालू करेंगे, मुझे लगता है कि विद इन 6 मंथ्स आप $100 पर मंथ कमा सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, ओके सर, तो बड़ा अच्छा खासा डिस्कशन रहा। मैं चाहता हूँ कि लोग कन्फ्यूज ना हो, तो उसके लिए हम कंक्लूजन पे आएंगे। बट एक और उससे पहले मेरा सवाल ये है कि आप यूट्यूब में आपके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स महात्मा जी टेक्निकल पे हैं, वी में क्रिएटर्स पे भी मिलियन होने वाले हैं, 7 लाख के करीब भी हो जाएंगे। तो और आप लोगों को सिखाते भी हो कि आप यूट्यूब कैसे कर सकते हो, यूट्यूब पे कैसे आ सकते हो, तो आप मुझे बताओ कि 3 सीक्रेट टिप्स यूट्यूब पे ग्रो होने की। सबसे पहली चीज़ है कि आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी काम को लेकर।
मान लीजिए मैंने एक निश डिसाइड कर ली, निश तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, विदाउट निश आप एक डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा आपको, आप भटकते रहेंगे। तो निश पहली चीज है कि आप एक निर्धारित कर लीजिए, और निश को लेके आप यूट्यूब पे ज्यादा सर्च करेंगे ना तो आपको हमेशा मिलियन वाली कोई ना कोई वीडियो दिखेगी जिसमें लगेगा इसमें तो कुछ भी एफर्ट्स नहीं है, मैं ये वाला काम ज्यादा करना चाहूंगा। मेरे पास लोग आते हैं पहले कैमरे पे बनाएंगे, सर ऐसा कर ले वॉइस ओवर कर ले कुछ दिन तक, है ना, कुछ दिन तक। क्यों? क्योंकि वो वाली कहावत है कि मैं गया था मार्केट में टी शर्ट खरीदने क्योंकि मुझे बेचने थे, तो मैंने अपने साइज के ही खरीद लिए क्योंकि नहीं बिकेगा तो खुद ही पहन लूंगा, है ना। तो वो वाली बात है कि सर मतलब हमेशा सब्स्टिट्यूट ढूंढना, जो चीजें मुझे लगता है वो सही नहीं है। तो जो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, आई होप कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हो कि जो लाइक व्यूअर्स देख रहे हैं, तो सर आपको नेश एक चुनना पड़ेगा, है ना सर, और उस पर कंसिस्टेंट रहिए। मेरी पहली वीडियो सतीश भाई दिखा देंगे तो मतलब मैं ऐसे कर रहा था, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महात्मा जी टेक्निकल में। तो मेरे अंदर भी मुझे लगता है, थैंक गॉड मैंने वीडियोस को देखता हूँ, तो मुझे लगता है बदलाव आए हैं। तो नेक्स्ट चुन लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, और आने वाले में मैं और क्या कर सकता हूँ फ्यूचर को लेके, हमेशा एक टेंटेटिव अपने माइंड में कुछ ना कुछ होमवर्क करते रहिए, डेफिनेटली सर आप ग्रो कर जाएंगे। लाइक हो जाएगा गाइस, बहुत ही बढ़िया टिप्स। सर क्वेश्चन तो आपको पहले समझ में आ जा रहा है, आपने आंसर दिमाग में बना लिए होंगे मेरे को क्या देना है। नहीं मतलब एक्चुअली क्या है ना, मैं आंसर नहीं बना पा रहा हूँ, सर की इतनी भारी आवाज है ना, मेरे को देख के है ना डर लगने लग रहा है जब सुनता, मैं कहता हाँ भैया यूट्यूब सही है। नहीं सर मैं तो बस इतनी दमदार आवाज है सर आपकी। तो अभी इस पे अगर हम आए तो सबसे पहले जो मैं बोलता हूँ कि आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, ठीक है। आप है ना यहाँ पर मोटिवेट होके आए हैं पैसे से, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। हम समाज सेवा तो करने नहीं आए, समाज सेवा करने आए तो आप वो भी कर सकते हैं, बट पॉइंट है कि पैसा मोटिवेशन है, पर इस मोटिवेशन के लिए आपको उससे प्यार करना चाहिए। जैसे वही मैंने MBA चाय वाला प्रफुल सर का एक डायलॉग सुना था, या तो आप उस लड़की से शादी कर लो जिससे आप प्यार करते हो, या जिससे शादी हो गई उससे प्यार करने लग जाओ, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि अगर आपको लगता है ब्लॉगिंग में पोटेंशियल है तो पहली चीज तो उससे प्यार करो, ठीक है, प्यार करो और उसको समय दो, ठीक है। जैसे आप अपने बच्चे को समय देते हो ना ग्रूमिंग करने के लिए, और आप उससे कुछ उम्मीद नहीं करते, ठीक है, आपको बच्चा कई बार छोटा बच्चा होता है आपको थप्पड़ भी मार देता है, आपके ऊपर शूशू भी कर देता है, ठीक है, आप उसको फेंक नहीं देते कि अरे यार इसने मेरे ऊपर जाके शूशू कर लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि उसको समय देना जरूरी है, और तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। आप उसको उसमें समय लगाओ, उसमें लिखो कॉन्टेंट जो आपको है, डेडलाइन दो अपने आप को। अगर आपने चुना है एक दिन में मुझे एक आर्टिकल लिखना है, तो खाना बाद में खाना है, पहले आर्टिकल लिखना है। ये नहीं देखना है कि वो आर्टिकल सही है या खराब है, लिखना है, दिखाना तो किसी को है ही नहीं ना। आपकी जो सक्सेस होगी वो आपके लिए बोलेगी, आपका आर्टिकल नहीं बोलेगा। और अगर आप फेल हो जाते हो तो किसी को बताना ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये अगर आप तीन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आप मुझे करना चाहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आपको भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने रखे। तो कौन सा अच्छा है सतीश भाई? अब हम आते हैं कंक्लूजन पे आते हैं सर। तो कंक्लूजन यह है कि जैसे मैं ज्यादा पैसे दूंगा, मैंने जो अपने करियर की शुरुआत करी थी ब्लॉगिंग से करी थी, इवन मेरी ऑडियंस को भी पता है। तो मैं जब ब्लॉग से पैसे कमा रहा था तो मुझे था कि फेमस होना है, ब्लॉग से कोई फेमस नहीं होता है। मतलब अमित अग्रवाल जी उनका इंटरव्यू आया था तो उनको लोग जानते हैं, हर्ष अग्रवाल जी अपनी इनकम रिपोर्ट्स दिखाते थे तो लोग उनके बारे में बातें करते थे, फिर आए अंकुर अग्रवाल तो उनका यूट्यूब चैनल था जिसकी वजह से लोग उनके बारे में जाने। तो मैंने देखा कि यार ब्लॉगर्स का ज़्यादा नाम नहीं होता है, उनकी कम्युनिटी के ही लोग जानते हैं, तो मुझे फेमस होना था। पता नहीं बचपन से दिमाग में था थोड़े बहुत लाखों लोग भी अपने को जाने, अपनी बातें लाखों लोगों तक शेयर करें, तो हम वीडियोस में भी थोड़ा इंटरेस्ट था। तो मैंने यूट्यूब पे भी काम करना शुरू कर दिया। यूट्यूब से मुझे शुरू के 2.5-3 साल तक मेरे को कोई ज़्यादा पैसे नहीं आए, मतलब ना के बराबर आते थे। जो मुझे पैसे आते थे ब्लॉगिंग से आते थे, तो मैंने उस पैसे को यूटिलाइज़ किया अपने यूट्यूब में, क्योंकि हम लोग शूट करने जाते थे अलग अलग जगह पे, किराया देना पड़ता था, दूसरे लोग काम कर रहे उनको भी थोड़ा बहुत पे करना पड़ता था, नहीं तो अगले दिन चला ही जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं मैंने ब्लॉगिंग को यूटिलाइज़ करके अपना यूट्यूब करियर को आगे बढ़ाया, अलग अलग निशेज पर मैंने फोकस किया, सबको ग्रो किया, सब पे काम किया मैंने। लास्ट 3 साल से, मतलब पिछले 3 सालों से मैं अपने ब्लॉगिंग को ऑटो पायलट पे है। ऑटो पायलट पायलट का मतलब ये कि कोई काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ बस, तो वो और मुझे अच्छा खासा पे भी करता है। मुझे लगता है जहाँ जितनी इनकम वहाँ से आती है मेरे सारे खर्चे मतलब सैलरी वगैरह देख के सब निकल जाता है, बाकी यूट्यूब से तो मेरा बोनस ही है। और नो डाउट दोनों में पैसे कमाए जा सकते हैं जैसे सर ने बोला, और सर ने ये भी बोला कि अगर आप दोनों कर सकते हो तो सोने पे सुहागा। बट मेरे तरफ से जो रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले एक बार में एक चीज़ करो, लाइक अगर ब्लॉग में आपको अच्छा लग रहा है, ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो पहले ब्लॉगिंग को सीखो, उसको करो, जब वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आने लगे फिर अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर दो यूट्यूब में। अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो यूट्यूब पे पूरा फोकस करो, एक समय पे एक ही चीज़ पे फोकस रखो,
बाद में ले जाके पैरेलल आप कर सकते हो कि बाद में आप टीम भी बढ़ा सकते हो। तो मेरे तरफ से ये है कंक्लूजन, और दोनों में बहुत ही अच्छा स्कोप है, इसीलिए मैं तरह तरह के लोगों को फीचर करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को भी प्रेरणा मिले, इंसाइट मिले, और ये जो धुरंधर लोग हैं ये लोग भी आपको कॉन्फिडेंस दे पाए कि जो चीज़ आप करने वाले हो अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है सर, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा, बिहाइंड द कैमरा मैन से माफ़ी मांगो, मेरी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और बाकी बस हमारा काम सिर्फ इतना ही था, मतलब हम दोनों बैठे आपके लिए, आपके सब्सक्राइबर्स में से बहुत से लोग हमें नए भी होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, हम बहुत अभी रिसेंट मिले हैं, अच्छे दोस्त बने हैं, और बस हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। इन्होंने जिस तरीके से पैसा बनाया इनको उस पर कॉन्फिडेंस है, मैंने जिस तरीके से पैसे बनाए, या पैसों की बात कर रहे थे आपके बेसिस में, या मेरे बेसिस में भी यार पैसा बहुत मैटर करता है यार, पैसा सब कुछ आज के डेट में, स्टूडियो सिर्फ 20 लाख का है भाई अंदाजा लगा सकते हो आप, तो पैसा मैटर करता है। तो मैंने पैसे बनाए तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर गिर भी गया ना यूट्यूब में फिर भी मैं यूट्यूब से उठ सकता हूँ। जैसे आप अगर मान लीजिए भगवान ना करे कुछ ऐसा हुआ फिर भी आपको पता है मैं ब्लॉगिंग को दोबारा से उठा सकता हूँ। तो हम सब ने अपनी स्ट्रॉन्ग तरीके से बात रखी है। अब आप इन्होंने सही कहा कि एक चीज चुनिए और उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन मत कर दीजिए, यूट्यूब चैनल अच्छा एक कॉपी पेस्ट बना लेता हूँ एक फेस बना लेता हूँ, अरे मेडिटेशन का भी बड़ा शौक रहता है उसका भी बना लेता हूँ, तो उसमें भी एक ही चीज से मुझे लगता है शुरुआत करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सतीश भाई, आपने हमें मैं बोलता हूँ यूट्यूब वाला है ना दबा देता है एक ब्लॉगर को, वो है ना यूट्यूब वाला जब बोलता है ना तो आप सुनते रहते हो उसको और ब्लॉगर सोचता है हाँ सुन लेते हैं। तो ये चीज तो है कि बेसिकली पोटेंशियल जैसे दोनों में ही है, बट आपका पर्पस भी अगर जैसे सतीश भाई ने बोला ना कि पर्पस बेसिकली आपका क्लियर होना चाहिए, इनका शुरू से ही था कि इनको फेमस होना है, तो पर्पस क्लियर होना चाहिए। और जो आपका पर्पस है आप ब्लॉगिंग से फेमस नहीं होगे, तो ब्लॉगिंग से आप पैसे अच्छे कमा पाओगे, अगर आपको फेमस होना आपका पर्पस है तो आप यूट्यूब से स्टार्ट करें। इसीलिए सर ने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया और पिछले एक साल में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो ये लॉन्च पैड सतीश भाई थे नहीं तो मुझे कोई नहीं जान रहा था, सतीश भाई के कहा जब चैनल पे आया तब लोगों को जानने, सीरियसली ऐसा ही हुआ कि मैं दीपावली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था पर मुझे कोई नहीं जान रहा था, ठीक है, फिर सतीश भाई ने कहा ये ब्लॉगर है, तो उन्होंने कहा अच्छा ये लाइन बिल्कुल भी एडिट नहीं होना चाहिए, इसको पहले चलाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा लगा, बहुत सही पॉइंट्स आप लोगों ने रखे, इवन मेरे को भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा कुछ निकलने वाला, एंड आई होप कि आप लोगों को भी आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। देखो गाइज, कन्फ्यूज मत हो, यूट्यूब वर्सेज ब्लॉगिंग है तो सारा क्रिएटर का ही खेल, क्योंकि मैंने हर्ष अग्रवाल से जब मैं मिला था सर, उन्होंने बोला था कि तुम ना ब्लॉगर बनो ना यूट्यूबर बनो, तुम क्रिएटर बनो, क्योंकि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से पैसे कमा सकते हो, इंस्टाग्राम से भी कमा सकते हो, फेसबुक से कमा सकते हो, यूट्यूब से कमा सकते हो, खुद का ब्लॉग बना के कमा सकते हो। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं आप वो कर सकते हो तो आप करो, नो डाउट। और सीखने के लिए गुरुजी हैं, ये अपने वीमेक क्रिएटर्स पे टिप्स बताते रहते हैं कि थंबनेल कैसा होना चाहिए, सीटीआर कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें बताते रहते हैं, और मैं आप लोगों को लाइक प्रेरणा देता हूँ, इनसाइटफुल वीडियोस लेके आता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार आ रहे हो तो। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।